गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सपना एस के ब्लॉग आ चुकी हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। उससे पहले आप सभी को हमारे उत्तराखंडी गृह त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा मॉर्निंग के 8 बजे से, और अपना ब्लॉग छत से कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ नहा के, और थोड़े बहुत मेरे यहाँ पर बाल भी सूख रहे हैं, और आज ना थोड़ी बहुत धूप निकली है। वैसे कल से धूप निकल रही है, क्योंकि 2-4 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो 15 अगस्त के दिन से हमारे वहाँ मौसम भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ना मेरा कुछ अमेजिंग होने वाला है, और मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम घी त्यौहार कैसे मनाते हैं और इसमें कुछ अलग भी करते हैं। वो सब चीज़ें ना मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ, तो देखने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे मंदिर में ना ककड़ी और घोग बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, ये मक्का है, ये चढ़ चुके हैं, और बाकी हमने घी भी चढ़ा लिया है। इस बार ककड़ी सिर्फ हमारे लगे हैं। यहाँ 2 ककड़ी तोड़ी थी, एक यहाँ बांट दी और एक ये है। फ्रेंड्स, हम ना अब निकल चुके हैं, बता दो कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं घी त्योहार में, हमारे वहाँ चादरी लगती है, और वो लगने वाली नीचे तलारी खाड़ी जहाँ पे हमारे सेंटर है वहाँ पे, और साथ में मेरे साथ दिल्ली, और हम लोग निकल चुके हैं घर से। बाकी लोग आधे चले गए हैं और आधे पीछे से आ रहे हैं, अभी मम्मी भी आई नहीं है। तो आज ना हमारे वहाँ जब भी घी त्यौहार होता है चाचरी लगती है, पहाड़ी कुमाऊनी चाचरी। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, देखने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ जाकर ही मिलूंगी। चाचरी स्टार्ट हो चुकी है, और थोड़ा बहुत ना मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगी। और
Yeah!
ਰਾਮ ਰਾਮ।